साथ ज्योति और आपका स्वागत है कुछ अपडेट लाइव न्यूज चैनल में। आइए करते हैं कुछ मुख्य खबरों की शुरुआत। एनटीपीसी पावर प्लांट से यूपी के मजदूरों को ठेकेदार छोड़कर हुआ फरार। भारत के 21 दिन के लॉकडाउन से लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ एनटीपीसी पावर प्लांट में करीब 1000 मजदूर काम करने आए हैं। कई मजदूरों के लिए खाने के लाले पड़ रहे हैं। 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए ठेकेदार भी 9-2-11 हो गया। यह पीड़ा यूपी बरेली से आए एक दर्जन मजदूरों ने बेड़िया थाने पर बताई। मजदूर चंद्रपाल ने बताया कि हम सभी मजदूर एनटीपीसी प्लांट से 15 किलोमीटर पैदल चलकर बेड़िया आए हैं। अब हमें साधन नहीं मिलेगा तो यूपी तक पैदल जाएगी। चंद्रपाल ने बताया कि ठेकेदार लोकल का होने से हमें छोड़कर भाग गया, जिसके कारण हमारे पास खाने का संकट आ गया। रविवार को सुबह 11 बजे एक दर्जन मजदूर बेड़िया थाने पर गुहार लगाने पहुंचे। एएसआई मोहन सिंह अली ने नायब तहसीलदार सुखदेव डावर का नंबर दिया गया। मजदूरों ने नायब तहसीलदार से बात कर सनावत आने को कहा गया। बेड़िया से सनावत जाने के लिए समाज सेवियों ने चाय पिलाकर वाहन की सुविधा करवाकर उन्हें सनावत पहुंचाया गया। हालांकि मजदूरों को नायब तहसीलदार ने मजदूरों को पास बनाकर देने को कहा गया। बेड़िया से सुनील पटेल की रिपोर्ट। क्या है आप? सर बरेली से। कहाँ पे जाना है? बरेली घर। नहीं, इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर एनटीपीसी पावर प्लांट चल रहा था। तो वहाँ पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं? सर ठेकेदार वो तो भाग गया गाँव चौंक चाड़ कर। कितने लोग हो आप? हम तो सर 11 लड़के हैं। 11? क्या सुविधा है जाने की? सर अब पैदल पैदल निकल रहे हैं घर यहाँ से। क्या शुभ नाम है? चंद्रपाल। यूपी बरेली में कहाँ पे रहने वाले? सर खास बरेली में रहने वाले हैं। देखते रहिए कुछ आप लाइव न्यूज चैनल। आगे की खबर जारी रहेगी।